नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ अनअकैडमी से जुड़ने कुछ बेनिफिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। रेगुलर क्लास के बारे में बात करूँ तो रात्रि 9 बजे आपको यहाँ पर क्लास अवेलेबल होती है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने आपको रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना। जैसे आप राजस्थान एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे। 10VV रेफरल कोड का उपयोग कर सकते हैं आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बेनिफिट्स आपको यहाँ पर क्या अवेलेबल होते हैं, रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं, पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम अपना आपको इवेल्यूएट कर सके इसलिए अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारी की सारी सुविधाएँ आपको अनअकैडमी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। बेनिफिट्स आपको और क्या होते हैं, प्लस कोर्स में कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। आंसर राइटिंग के सेशंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम आपको यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिशियल है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी जो है 15 महीने तक रहेगी और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी जो है आपकी 28 महीने तक। कुछ स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टूडेंट के द्वारा किए गए कमेंट्स जो आपको यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। आपको कोर्सेज जो अलग अलग कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, अभी RS के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी एग्जाम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी जो कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं RS के लिए राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी को के लिए आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही 12 महीने का जो कोर्स है हमारा वह 7,000 रुपये का है और 24 महीने का जो कोर्स है 8,400। वैलिडिटी आपको पता है अभी 15 महीने की वैलिडिटी है और इसकी 28 महीने की वैलिडिटी है, लेकिन उसमें भी अगर आप रेफरल कोड 10VV का उपयोग करते हैं तो आपको ये कोर्स 6,300 रुपये में और 7,560 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। आसान किस्तों में भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 10VV रेफरल कोड के साथ। पहला प्रश्न हमारा, वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर विचार करना। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण उदयपुर राजसमंद व पाली जिले में है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण उदयपुर जिले में है और टाडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण अजमेर पाली व राजसमंद में है और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण भीलवाड़ा कोटा जिले में है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर 3 नंबर स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पर 1, 2 और 3 सही है, 4 नंबर स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इनमें से वे कौन सा दिन है जब विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को बताना है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस की अगर मैं आप बात करूं तो ये 22 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल डी जो आंसर दे रहे हैं आप सभी सही आंसर दे रहे हैं, 22 मई वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। पहला, वन भूमि को बांधे रखता है, वन बाढ़ को नियंत्रित कर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वायु के बहाव को नियंत्रित करते हैं और वन वायु को प्रदूषित व स्वच्छ रखते हैं, प्रदूषण रहित व स्वच्छ रखते हैं और वन मानव जीवन के लिए बेहद उपयोगी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। सही स्टेटमेंट की बात करते, ये सारी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, चार नंबर ऑप्शन या डी जो आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही आंसर दे रहे हैं। सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया, यहाँ पर सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया जाता है, सितंबर 2011 में, अगस्त 2010 में, मार्च 2011 में और फरवरी 2010 में। राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया जाता है, तो पहली वन नीति का अनुमोदन यहाँ पर बिल्कुल फरवरी 2010 में, डी जिन्होंने भी आंसर दिया है या चार नंबर जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, फरवरी 2010 में फर्स्ट पहली वन नीति का अनुमोदन यहाँ पर किया जाता है। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी, कितने वन मंडल हैं हमारे राजस्थान में, 8, 10, 12 और 14, वन मंडल कितना है ये आप लोगों को बताना है। हमारे राजस्थान में कुल वन मंडलों की संख्या जो है आप लोगों से पूछी जा रही है, और जो भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। वन मंडलों की संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे कुल वन मंडल 12 है। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं, तो इनमें किस प्रकार के वन में हमको बबूल के वृक्ष मिलते हैं, मानसूनी वन, विश्वतीय वन, टैगा वन और मरुस्थलीय वन। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर बबूल बिल्कुल पूरा राम जी ने यहाँ पर बताया है, मरुस्थलीय वनों में मिलते हैं बिल्कुल, बाकी जिन्होंने भी डी आंसर यहाँ पर दे रहे हैं मरुस्थलीय वन, ये हमारा एकदम सही आंसर है। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, शाकंबरी संरक्षित क्षेत्र, गोथेलान संरक्षित क्षेत्र और रोटू संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र जो है कौन सा है ये आप लोगों को बताना। भालुओं के लिए पहला संरक्षित क्षेत्र इनमें से कौन सा है, भालुओं के लिए पहले संरक्षित क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र है, सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जो है जालोर में है और सिरोही में। जम्बा रामगढ़ अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में, कौन से जिले में जम्बा रामगढ़ है, उदयपुर, जयपुर, झालावाड़ और हनुमानगढ़। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां पर जम्बा रामगढ़ अभयारण्य स्थित है, उदयपुर, जयपुर, झालावाड़ और हनुमान। जम्बा रामगढ़ अभयारण्य की अगर मैं बात करूं तो ये आपके जयपुर जिले में है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य जो है कौन से जिले में है ये आप लोगों को बताना है।
कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। रामगढ़ बिस्तारी, अभी आप लोगों को पता होगा हमारे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व भी जो है ये बन गया है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिए। तो अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए हमारे भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आप ये बता पाएंगे आसानी से 52 टाइगर रिजर्व है। और 52वां कौन सा बनाया गया है यहाँ पर, रामगढ़ बिस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो हमारे राज्य राजस्थान। और ये पूछा गया है तो राजस्थान के कौन से जिले में है, तो बिल्कुल बूंदी, जिन्होंने भी आंसर दिया है बूंदी वो हमारा सही आंसर है। टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, टॉडगढ़ रावली बताना है आपको कौन से क्षेत्र में, अजमेर जयपुर व सीकर, अजमेर जयपुर व पाली, अजमेर पाली व राजसमंद, अजमेर उदयपुर व सिरोही। टॉडगढ़ रावली के बारे में बताना है आपको। टॉडगढ़ रावली के बारे में पूछा जा रहा है, तो टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये अजमेर पाली व राजसमंद, 3 नंबर ऑप्शन जो हमारा यही होगा, अजमेर पाली राजसमंद। राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो है इनमें से क्या है, उद्योग धंधे, कृषि, परिवहन और खनन। आप सभी का स्वागत है जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजस्थान के लोगों का व्यवसाय बताना है आपको, क्या काम करते हैं राजस्थान के। राजस्थान के लोगों के प्रमुख व्यवसाय के बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं, राजस्थान का प्रमुख व्यवसाय जो है हमारा कृषि एग्रीकल्चर। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों पर निर्भर, कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है, 52%, 62%, 72% और 68%। तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है यहाँ पर, क्षेत्र जो है तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान की तो कृषि व उसके सहायक कार्य गतिविधियों पर निर्भर करती है, ये आप लोगों को बताना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 62%, 62% पॉपुलेशन जो है हमारी यहाँ पर कृषि व उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। राजस्थान में मानसून का जुआ क्या, इसे मानसून का जुआ कहते हैं। राजस्थान में हो या भारत में भी हमारे मानसून का जुआ कृषि को ही कहते हैं, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती, इनमें से वे कौन सी फसल है जो यहाँ पर खरीफ के मौसम में जो है यहाँ पर उत्पादित नहीं की जाती है।
यहाँ पर व्यासा जो है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर लगा देंगे आपके, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? टी ए जेड आर आई, ए जो है एक्स्ट्रा है, टी ए जेड आर आई किस जगह पर स्थित है ये आप लोगों को बताना। काजरी कहाँ पर है? हमारे राज्य राजस्थान में। काजरी जो है जोधपुर में है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं जोधपुर, जितने भी आंसर दिया है एक नंबर या ए जोधपुर सही है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया, इसका निर्माण कब किया जाता है ये भी बता दीजिए। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, इसका गठन जो है 1959 में, सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा 1959। काजरी का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है, सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ऑटो जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काजरी का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शेवर में है, आप लोगों को पता है शेवर भरतपुर में है, और इनकी जो है स्थापना कब होती है ये पूछा गया है, 1993 में, 2003 में, 2004 में और 2007। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल 1993, अक्टूबर 1993 सही बता रहे हैं आप। राज्य में वर्षों के वर्ष मतलब कि जो वर्षा के दिनों में औसत संख्या कितनी, मतलब एक साल में औसत कितने दिन की वर्षा होती है हमारे राज्य राजस्थान में, 31 दिन, 27 दिन, 28 दिन और 29 दिन हमारे राज्य राजस्थान में औसत वर्षा की संख्या जो है कितनी है? वह है हमारे यहाँ पर 29 दिन जो है हमारा औसत वर्षा की संख्या है, दिनों की संख्या 29 दिन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए, तो राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र इनमें से किस जगह पर स्थापित किए गए हैं ये आप लोगों को बताना है। अभी हमने एक के बारे में बात करी है, आमेर, बीचवाल, बस्सी, मांगरोल, दुर्गापुरा, शाहपुरा, टीपीजी और सेवर।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो एक तो टीबीजी अजमेर में, और एक अभी हमने पढ़ा जैसे कि मैंने आपको हिंट ही दे दिया था, सेवर भरतपुर में सरसों के लिए। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? टीबीजी अजमेर, तिजारा अलवर, केशव राय पाटन बूंदी और झालावाड़ पाटन झालावाड़। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये एक अगर हम बात करें, तभी हमने बात करी टीबीजी में है। राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान के द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी टूपो व साको के मानकीकरण व संरक्षण एवं संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट जो है किया जा रहा है? प्रोजेक्ट इनमें से किस पर किया जा, किस क्षेत्र में किया जा रहा है केंद्रीय शुष्क शोध संस्थान के द्वारा? भरतपुर क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में, कोटा क्षेत्र में और उदयपुर क्षेत्र में। क्वेश्चन अभी काफी होंगे हमारे, तो आप कंटिन्यू बने रहें क्लास में। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिए, आप लोग शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पर केंद्रीय शुष्क शोध संस्थान के द्वारा यहाँ पर रिसर्च जो किया जा रहा है वो जैसलमेर क्षेत्र, बिल्कुल बी जो आंसर दे रहे हैं जैसलमेर, सही आंसर। तो राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने यहाँ कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई व कहा? माउंट आबू, जॉबनेर, पुष्कर और जयपुर। इसके लिए लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम जो है टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको अन अकेडमी का चैनल है, बाकी अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर आप मुझे मैसेज करके जो है बात कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, अन अकेडमी का ही है, सारे एजुकेटर्स के लेक्चर्स इसमें आपको मिल जाएंगे और पीडीएफ जो है जो जो इसमें सेंड करते हैं वो मिल जाएंगे। तो इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करें तो यह है हमारा यहाँ पर पुष्कर। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज योजना के तहत की गई थी, कौन से सन में की गई थी? राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना कौन से राज्य सन में की जाती है? 1978 में, 1987 में, 2019 में और 2001। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के अंतर्गत की जाती है, कब की जाती है ये आप लोगों को बताना है। तो ये कब की जाती है? ये की जाती है 1978। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? नगद फसलों की श्रेणी में यहाँ पर कौन से फसलों का समूह आता है यह पूछा जा रहा है आपसे। कपास, गन्ना व रतन जोत, कपास, रतन जोत व ज्वार, कपास, तिलहन व गेहूं, मक्का, ज्वार व बाजरे।
निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नकद फसलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी फसलों का समूह, तो बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं कपास गन्ना वर्धन जो होती है, ए जो है थोड़ा यहाँ पर बीच आ गया, बाकी ए पर जो थे हमारे कपास गन्ना और रतन जो। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार, राजस्थान में जो वालरा है कौन सी कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आद्र शुष्क कृषि और पर्वतीय कृषि। आद्र शुष्क कृषि और पर्वतीय कृषि, वालरा क्या है ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल यहाँ पर जो भी स्थानांतरित कृषि बोल रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं। तो ये भी बता दें आप, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होती है, ये भी बता दें। राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली वालरा या वालेरा चलायमान कृषि या स्थानांतरित कृषि होती है, कौन से जिले में, ये बता दें आप। डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और उपरोक्त तीन। राजस्थान में जो वालरा कृषि होती है वो कौन से जिलों में होती है, ये भी बता दें आप लोग। तो वालरा कृषि जो राजस्थान में होती है बिल्कुल सभी जिलों में, ये जो तीन ऑप्शन दे रखे थे यहाँ पर, डूंगरपुर, उदयपुर व राजस्थान की जो है दक्षिणी क्षेत्र में होती है। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, जो हमारी स्थानांतरित कृषि है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरित कृषि को हम राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, तो स्थानांतरित कृषि को हम वालरा के नाम से जानते हैं, बिल्कुल वालरा। और अभी हमने बात कर ली दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में जो होने वाली कृषि है वो हमारी वालरा ही है। इसी कृषि को हम स्लैश व बर्न के नाम से भी जानते हैं, काटो और जलाओ, स्लैश एंड काटो और जलाओ, ये भी आप जरूर ध्यान रखिए। ये कृषि भी जो है हमारी क्या है, वालरा, राजस्थान में वालरा बोला जाता है स्थानीय भाषा में, सही शब्द जो है स्थानांतरित कृषि। अगला प्रश्न, राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है, तो राजस्थान भारत का यहाँ पर सरसों का राज्य क्यों कहलाता है ये बताया, पूछा आ गया आपसे, क्योंकि सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान है, सरसों की खपत में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान है, सरसों का फूल राजस्थान का राजकीय पुष्प है, क्योंकि राजस्थान में खाना पकाने हेतु सरसों के तेल का ही प्रयोग किया जाता है, केवल सरसों के तेल का ही प्रयोग। राजस्थान जो है भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है ये आप लोगों को बताना है।
बिल्कुल यहाँ पर ए जो भी आंसर दे रहे हैं एकदम सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि राजस्थान जो है सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है? बाकल, खारी, बाणगंगा और कोठारी। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है, ये आप लोगों को? रुंडित सरिता के नाम से जानी जाने वाली नदी जो है यहाँ पर बाणगंगा नदी। सी हमारा जो है सही आंसर होगा। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और पुणे जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। देखिए दक्षिण से प्रवेश करती है फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वह कौन सी नदी है? माही, काली सिंध, चंबल और लूणी। वह कौन सी नदी है इनमें से? तो वह माही नदी है। बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं, और माही जो जिन्होंने भी आंसर दिया सभी सही आंसर दे रहे हैं। गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो खारी जो है यहाँ पर कौन से अपवाह तंत्र का भाग है? अरब सागर, अनिश्चित, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक। गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी जो है कौन से अपवाह तंत्र का भाग है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खाली नदी जो है हमारी यहाँ पर कौन सी अपवाह तंत्र का भाग है? तो ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। बिल्कुल ए जिन्होंने भी आंसर दिया सही आंसर है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, तो इनमें से वे कौन सा जिला है जो सबसे अधिक गर्म है? बीकानेर, नागौर, चूरू और जोधपुर। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला जो है इनमें से कौन सा है? बिल्कुल सबसे अधिक गर्म जिला इनकी अगर हम बात करें बिल्कुल चूरू है, तो हमारा यहाँ पर चूरू सही आंसर होगा। लू के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? सही नहीं है जो पूछा गया आप लोगों से। ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड शुष्क व गर्म हवा है, ये थार के मरुस्थल में चलती है, इनकी गति सामान्य 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और यह स्थायी पवन। लू के संदर्भ में जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो लू के संबंध में अगर हम बात करें तो यह एक स्थायी पवन नहीं, यह एक स्थानीय पवन। लू लू एक स्थानीय पवन। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? तो इनमें से वे कौन सी प्रकार की जलवायु हमारे राजस्थान में नहीं पाई जाती? ध्रुवीय, अर्ध शुष्क, शुष्क और आद्र। एकदम आसानी से बता पाएंगे आप लोग यहाँ पर। तो कौन सी जलवायु नहीं मिलती? जलवायु नहीं मिलती हमको यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु नहीं मिलती, बाकी सारी प्रकार की जलवायु हमको। कोपेन जलवायु
कोपेन ने जो जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया उसका आधार क्या था? वायुदाब, वर्षा, धरातल और वनस्पति। कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया वो किसके आधार पर किया ये आप लोगों को बताना, वायुदाब के आधार पर, वर्षा के आधार पर, धरातल के आधार पर और वनस्पति के आधार पर। तो कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार जो है इनमें से कौन सा है, तो उसकी अगर हम बात करें तो डी जो आंसर दे रहा है वनस्पति। वनस्पति के आधार पर उसने जलवायु का वर्गीकरण किया था। कौन सी फसलें हैं खरीफ की फसल, इनमें से खरीफ की फसल कौन कौन सी है ये बताना, चावल, गेहूं, बाजरा और चना। कौन सी फसल इसमें से खरीफ की फसल है ये आप लोगों को बताना है। 3 नंबर हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चावल है और बाजरा। राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक, राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जो है कौन से जिले हैं, कोटा, जयपुर और धौलपुर, अजमेर, पाली व दौसा, टोंक, बूंदी व जालोर, अलवर, भरतपुर व श्रीगंगानगर। राजस्थान में सरसों और राई में सबसे बड़े उत्पादक जिले को जो है कौन सा है, तो आसानी से आंसर दे सकते हैं इसका, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल अलवर, भरतपुर व श्रीगंगानगर जिन्होंने भी आंसर दिया है। भरतपुर और श्रीगंगानगर, इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है, राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है ये आप लोगों को बताना है। भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी और धौलपुर। सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है यहाँ पर क्लास में, जितने भी आप लोग जुड़े। चावल इनमें से कौन सी जगह पर उत्पादित होता है ये आप लोगों को बताना। चावल की अगर मैं बात करूं तो चावल जो है यहाँ पर बिल्कुल बूंदी में उत्पादित होता है। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कौन से राज्य में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कांगेर घाटी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, बिल्कुल छत्तीसगढ़ जो आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही आंसर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में है हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले वे कौन से जिले हैं जो सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, जयपुर व दौसा, कोटा, बारा व झालावाड़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, करौली व धौलपुर। सोयाबीन के उत्पादक प्रमुख उत्पादक जिले जो है इनमें से कौन सा है ये आप लोगों को बताना।
कौन कौन सी जगह ऐसे हैं, कौन सी जिले ऐसे हैं जहाँ पर सोयाबीन होते हैं हमारे राजस्थान में? सोयाबीन की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है कोटा, बारा व झालावाड़ी। ये आपका जो आंसर है, कोटा, बारा, और झालावाड़। इन्होंने भी बी या दो नंबर आंसर दिया है, बिल्कुल वो एकदम सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला कौन सा जिला है? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ व जयपुर। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा? दो नंबर जो है हमारा यहाँ पर झालावाड़, छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने वाला जिला झालावाड़। भारत का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में, सॉरी, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में पहला स्थान? मक्का, जौ, ज्वार और बाजरा। राजस्थान के कौन से खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में, राजस्थान का जो है कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में हमारे देश में पहला स्थान है? तो यहाँ पर कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में पहला स्थान है, तो उसकी अगर हम बात करें तो बाजरा, बाजरा के उत्पादन में पहला स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो वो हमारा राज्य राजस्थान ही हो जाएगा, चार नंबर ऑप्शन राजस्थान। सिंधु की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? ब्यास नदी, झेलम नदी, सतलज नदी और रावी नदी। तो सिंधु नदी की कौन सी ऐसी नदी है जो सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलने वाली सतलज नदी, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। पुष्कर घाटी से निकलने के पश्चात लूणी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? तो पुष्कर घाटी से लूणी नदी निकलती है वो कहाँ पर समाप्त हो जाती है? साबरमती की सहायक नदी बनकर, कच्छ के रण में, अरब सागर में और माउंट आबू। पुष्कर घाटी से निकलने के पश्चात लूणी नदी जो है कहाँ समाप्त हो जाती है? लूणी नदी यहाँ पर समाप्त हो जाती कच्छ के रण में, बिल्कुल बी जो आंसर दे रहा है, कच्छ के रण में लूणी नदी समाप्त हो जाती है। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? वह कौन सा शहर है राजस्थान का हमारा? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और टोंक। राजस्थान का वह कौन सा शहर है यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो यहाँ पर बिल्कुल सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, बीकानेर। पाकली बांध जालोर में जो बनाया गया है वो कौन सी नदी पर बनाया है? पाखली बांध जो है जालोर का, वो तो इनमें से कौन सी नदी पर बनाया गया है? खारी पर, जवाई पर, बांदड़ी पर
और सुखी। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक जो है शेयर जरूर कीजिए। बाकी बांध जालोर सुपड़ी नदी पर, बिल्कुल डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर राज परिवार के राजमहल किस जिले में? राजमहल जो है उदयपुर का कौन से झील के किनारे पर है? देवर झील या जैसमंद झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील और पिछोला झील। उदयपुर राज परिवार के राजमहल किस झील के किनारे स्थित? तो उदयपुर राज परिवार के राजमहल कौन सी झील के किनारे पर स्थित है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पिछोला झील के किनारे स्थित है, ना कि डेवर झील। बिल्कुल डी जो आंसर दे रहे हैं वह हमारा एकदम सही आंसर दे रहे हैं। बजेड़ा, बजेड़ा आपने सुना होगा किसे कहते हैं? धान की एक फसल है, एक विशेष प्रकार का गोटा है, पान का खेत है और एक विवाह की रस्म है। बजेड़ा क्या है इनमें से, ये आप लोगों से पूछा गया है, या बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा जो है इनमें से किसे कहते हैं? एक प्रकार का पान का खेत है। बिल्कुल सी या तीन नंबर आंसर जो दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। किस फसल की खेती के लिए 15 से 24 डिग्री सेंटीमीटर सेंटीग्रेड जो है यहाँ पर तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? यहाँ पर कौन सी फसल है जिसके लिए 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? कपास, गन्ना, चना और बाजरा। तो इनमें से वे कौन सी फसल है जिसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है? तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बिल्कुल गन्ना होगा हमारे यहाँ पर, बिल्कुल बीज इन्होंने भी आंसर दे रहे हैं गन्ना। राजस्थान का वह कौन सा जिला जो अधिकतम मात्रा में इसबगोल उत्पादन करता है? इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? झालावाड़, जालोर, सिरोही और बूंदी। इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किस जगह पर? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो अधिकतम मात्रा में इसबगोल का उत्पादन करता है? तो इसबगोल का उत्पादन हमारे यहाँ पर जालोर में होता है, बी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान में अमेरिकन कपास उत्पादन होता है, कौन से जिलों में जो है अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है हमारे राजस्थान में? कोटा, बूंदी व बारा में, झालावाड़, अजमेर व सिरोही में, राजसमंद, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में, अजमेरगढ़, श्री गंगानगर व बांसवाड़ा। तो यहाँ पर अमेरिकन कपास का उत्पादन जो है कौन से जिलों में होता है? तो अमेरिकन कपास के उत्पादन की अगर मैं बात करूँ तो यह बिल्कुल चार नंबर जो आंसर दिया आप सभी ने सही आंसर दे रहे हैं, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर व बांसवाड़ा। अमेरिकन कपास, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर व बांसवाड़ा, चार नंबर यही था हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान?
क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा, छठा, सातवां व आठवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो सातवां स्थान है हमारे भारत का। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके कुछ पुट दिए गए हैं, उनका आपको चयन करना है। भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है, अभी हमने बात करी इसी के बारे में। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग जो है अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पांचवा देश नहीं होकर ये सातवां देश है, पहली बात तो। और समूचा भारत जो है हमारा उष्ण कटिबंध में नहीं है, वो कौन से कटिबंध में है? हमारा भारत जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के दक्षिण का भाग जो है हमारा उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के उत्तर का भाग जो है हमारा यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध में आता है। संपूर्ण भारत का क्षेत्र जो हमारा उष्ण कटिबंध में नहीं होगा। 2 और 4 जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। डी जो आंसर दे रहे हैं वो हमारा सही आंसर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 7, 8 व 9। भारत के ऐसे कितने राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के ऐसे कितने प्रदेश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कि अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, बस थोड़ा ही प्रश्न और है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। कैसे भी करके आप याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है सीक्वेंस में याद रखें तो अच्छा है। ये जो मैंने जो सीक्वेंस बताई है, ये मैंने आपको बताई है पश्चिम से पूर्व, ये हमारा सही आंसर होगा। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर, ठीक है। उसके अलावा भी काफी ट्रिक्स है, जैसे कि मित्र पर गमछा जा आपने बताया, उसके अलावा भी जो ट्रिक है मित्र पर गमछा जा, बीजाराम छतरी पंगु, बीजाराम छतरी पंगु, ये 8 राज्य हो गए। मित्र पर गमछा जार में भी 8 राज्य हो जाएंगे आपके, तो ये आप देख सकते हैं। झार से है झारखंड,
भारतीय मानक समय याम्योत्तर जो है कौन से राज्य से नहीं गुजरती? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। भारतीय याम्योत्तर जो है जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारतीय मानक समय भारतीय याम्योत्तर जो है अपन नहीं गुजरता तो वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, उत्तर से दक्षिण की ओर की अगर मैं बात करूं तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, तो ये पांच जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो। ये जो है हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर, तो महाराष्ट्र इसमें नहीं आता। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इनमें से भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी पर है, रामेश्वरम पर है, इंदिरा पॉइंट पर है और पॉइंट कॉलीमोर पर। नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें रोजाना क्लास जो है डेली क्लास की अगर मैं बात करूं तो वो 9 बजे होती है। तो दक्षिणतम बिंदु की अगर मैं बात करूं तो वे आपका जो है इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल सी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान व बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ, असम भूटान तथा असम व भूटान जो है बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ, पश्चिम बंगाल भूटान व नेपाल की सीमा से लगा हुआ, मिजोरम बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? राजस्थान ही होगा मोस्टली। तो असम जो है भूटान व बांग्लादेश की सीमा के साथ में लगा हुआ है क्या? दूसरा, पश्चिम बंगाल जो है भूटान व नेपाल की सीमा के साथ में सीमा साझा करता है क्या? मिजोरम जो है बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा के साथ में सीमाओं से लगा हुआ है क्या? तो स्टेटमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है, ए इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कौन से वर्ष में किया गया था? 1955, 1896, 1997 और 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण इनमें से कौन से वर्ष में किया जाता है, ये आप लोगों को बता। तिथि रेखा के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों को, पहली चीज तो यहाँ पर यह है तिथि रेखा यहाँ पर निर्धारित की जाती है 1884 में। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो देखिए ये तो है आपका तिथि रेखा, निम्नलिखित में से कौन एक वलित पर्वत है? इनमें से कौन सा पर्वत जो है एक वलित पर्वत है, ये आप लोगों को बताना है। नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा और इनमें से कोई नहीं। वलित पर्वत जो वलन से उत्पन्न होता है जब दोनों साइड से प्रेशर बनेगा, यहाँ पर जो बीच वाला जो भाग है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। बचपन में जो इस प्रकार के पर्वत बना देते हैं तो इस प्रकार के जो पर्वत आपको दिखाई देता है ये वलित पर्वत है, बिल्कुल फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय जो है हमारे यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है और सबसे नवीन वलित पर्वत है। और सबसे प्राचीन वलित पर्वत की बात करें तो ये भी हमारे राजस्थान में ही अवस्थित है, सबसे प्राचीन वह है अरावली। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? संपूर्ण विश्व के बारे में यहाँ पर बात हो रही है।
पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्रों में विश्व की जनसंख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 9% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और देखिए विश्व में आप जहां पर भी पठार शब्द आ जाता है तो आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि पठार जो है तो वहां पर खनिज संसाधन है। हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए, जहां पर भी पठार होंगे वहां पर आपको जो है खनिज संसाधन मिलेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के खनिज हो, कोई भी खनिज हो। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, तो कौन सी तरंगे धरातलीय तरंगे कहलाती है? प्राथमिक तरंगे, गौण तरंगे, एल तरंगे और प्राथमिक व गौण तरंगे, ये आपके हो गया यहाँ पर प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, एल तरंगे। बिल्कुल यहाँ पर सी हमारा सही आंसर होगा, एल तरंगे, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है। तो धरातल पर जो तरंगे आती है इनको एल तरंगे या लव तरंगे भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। बांसवाड़ा सौ द्वीपों का शहर, अजमेर राजस्थान का हृदय, गंगानगर राजस्थान का नागा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर। कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। बिल्कुल यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें तो वो राजस्थान का जिब्राल्टर, ये सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही राजस्थान का जिब्राल्टर जिसे कहा जाता है, ये आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? इनमें से वे कौन सा राज्य है जिसकी सीमा हमारे बांग्लादेश के साथ में नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं मिलती ये आप लोगों को बताना है। तो बांग्लादेश के साथ में सीमा जो है अपन मिलती नहीं है वह है मिजोरम। जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत के किस प्रदेश की सीमा है तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है? भारत का कौन सा राज्य है सीमा जो है अपन नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और चीन से भी मिलती है? तो नेपाल, भूटान व चीन से मिलने वाली हमारा जो है कौन सा राज्य है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिक्किम की सीमा जो है अपन नेपाल, भूटान व चीन से तीनों से लगेगी। भारत में निम्नांकित राज्यों में से इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इनमें से वे कौन सा राज्य है जिसके तीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? निम्नांकित राज्यों में से अगर हम बात करें तो त्रिपुरा जो है हमारा तीन और बांग्लादेश के साथ मिला। त्रिपुरा जो है हमारा तीन और
और से बांग्लादेश के साथ में ये जो है सीमा बनाता है। नेपाल पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा? तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म पूछा गया आप लोगों से। सिक्किम व भूटान, सिक्किम व बिहार, असम व बिहार, उत्तर प्रदेश व हरियाणा। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में बता देता हूँ आपको। नॉर्थ इस प्रकार से हमको जो है भारत का हमारा मैप दिखेगा। नॉर्थ ईस्ट में जो है हमारे यहाँ पर सेवन सिस्टर्स हैं। सेवन सिस्टर्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे नीचे जो दक्षिण में हमको जो मिलता है वह राज्य है मिजोरम। मिजोरम के उत्तर में मणिपुर, मणिपुर के उत्तर में आपको मिलेगा नागालैंड और ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। साथ ही ये यहाँ पर आपको जो मिलता है तीन और से बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ ये हमारा मिलता है त्रिपुरा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पांच स्टेट तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक इस प्रकार की आकृति का हमारा एक राज्य है, राज्य को हम मेघालय के नाम से जानते हैं और एक जो है हमारा इस प्रकार की आकृति का राज्य है जिसे हम असम के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो है सात राज्य। और अभी हमारा जो प्रश्न था नेपाल के साथ में पड़ोसी राज्यों के युग्म के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नेपाल के साथ में यहाँ पर सिक्किम भी है और बिहार भी है, ये आप लोगों को पता होगा नेपाल है। और सिक्किम की अगर मैं बात करूँ ये तो है सिक्किम और नेपाल के दक्षिण में यहाँ पर है बिहार। सिक्किम और बिहार जो है दोनों सीमा साझा करते हैं हमारे नेपाल के साथ। पुडुचेरी क्षेत्र विभाजित पाया जाता कौन कौन से एनक्लेव में जो है, कौन कौन से टुकड़ों में हमारा पुडुचेरी क्षेत्र विभाजित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल, तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व गोवा। पुदुचेरी क्षेत्र जो है विभाजित पाया जाता है कौन कौन सी राज्यों में ये आप लोगों को बताना। पुदुचेरी क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा अगर मैप में देखने का प्रयास करें हम तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश हमारा राज्य, तो देखिए यहाँ पर हमारा पुदुचेरी का जो एनक्लेव है वो चार भागों में है। वह है एक तो यनम, यनम आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, यनम के बाद में आपको मिलेगा पुदुचेरी,
यहाँ पर आपको मिलेगा कराईकल, ये दोनों जो है आपके, ये है तमिलनाडु। इधर आपको मिलेगा माहे केरल में, ये आप जरूर ध्यान रखिए। बिल्कुल यहाँ पर आप सही आंसर दे रहे हैं जी, जिन्होंने भी आंसर दिया सभी सही आंसर दिया। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी सात बहनों का भाग नहीं है, तो इनमें से वह कौन सा राज्य है जो उत्तरी पूर्वी सात बहनों का भाग्य नहीं है, भाग नहीं है सॉरी, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की सात बहनों का भाग नहीं है? उत्तर पूर्व की सात बहनों का भाग जो है हमारा यहाँ पर पश्चिम बंगाल नहीं है। देखिए मेघालय आपका हो गया एक, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड, सात जो है हमारी सेवन सिस्टर्स, ये सेवन सिस्टर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो है सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है। यहाँ पर जो है यूपी के साथ में सीमावर्ती राज्य कौन कौन से है ये पूछा जा रहा है, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। कौन जो है यहाँ पर यूपी के साथ सीमावर्ती है? यूपी के साथ सीमावर्ती की अगर मैं बात करूं तो पंजाब को हटा दीजिए आप, बाकी जो है आपका ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा। पंजाब को अगर हम निकाल देते हैं एक नंबर ऑप्शन, तो बी हमारा यहाँ पर बचता है, 2, 3 व 4। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग और यूपी का भाग। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो वह नेशनल कैपिटल रीजन में जो है पंजाब का भाग यहाँ पर शामिल नहीं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? कौन सा राज्य है जिसका समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सबसे अधिक लंबा तट जो है हमारा गुजरात का है, ये आप जरूर ध्यान रखिए। कौन रहेगा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमने बात कर ली थी, तो गुजरात से, राजस्थान से और झारखंड से, 1, 2 और 4, जबकि ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी, कितने तटीय राज्य हैं हमारे भारत में, ये आप लोगों को बताना है। तटीय राज्यों की संख्या पूछी जा रही है आप लोगों से।
हमारे यहाँ पर भारत में 9 तटीय राज्य हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 तटीय राज्य हमारे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोया के नाम से जानी जाती है? सफेद सोया के नाम से जानी जाने वाली फसल जो है इनमें से कौन सी है? सफेद सोना के नाम से जानी जाने वाली फसल। तो कौन सी फसल सफेद सोया के नाम सोना के नाम से जानी जाती है? तो वह कपास है। 3 नंबर ऑप्शन जो हमारा सही होगा। राजस्थान में मिश्रित लाल व काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मिश्रित लाल व काली मिट्टी में हमारे यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं कपास व मक्के की फसलें उगाई जाती हैं। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल, तो इनमें से कौन सी फसल है जो नकदी फसल है राजस्थान की? गेहूं, बाजरा, कपास और चावल। तो राजस्थान की प्रमुख नकदी की फसल जो है इनमें से कौन सी है? प्रमुख नकदी की फसल की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सी जो आंसर दे रहा है कपास, वो हमारा सही आंसर होगा। राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले, राजस्थान के प्रमुख चना उत्पादक जिले जो है इनमें से कौन सा है? श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ व चूरू। हनुमानगढ़, नागौर व जोधपुर। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व नागौर। प्रमुख चना उत्पादक जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर होंगे बीकानेर, हनुमानगढ़ व चूरू। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप मेरे रेफरल कोड के साथ में अनअकैडमी के किसी भी कोड में जो है कोर्स में जो है उपयोग में लेकर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 10VV मेरा रेफरल कोड है। तो आपको फ्री स्पेशल क्लासेज भी मिलेगी, साथ ही 10% डिस्काउंट वाली क्लासेज भी आपको अवेलेबल होगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर। कल हम फिर मिलते हैं रात्रि में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।